तो जैसा कि अभी आप सभी सारे छात्र देख पा रहे हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 का जो एग्जामिनेशन हो चुका है इंग्लिश पेपर का, मैं उसके ग्रामर पोर्शन का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। ये देखिए कोड डी का है, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो भी आपके क्वेश्चन ग्रामर के केवल आगे पीछे होंगे, तो आप यहाँ से वो सारे क्वेश्चन मिला सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इसका वीडियो सही सही आप लोगों के लिए लाया है। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर खाली स्थान अबाउट द वेदर, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके सेट में कहीं दूसरे जगह हो, फिर भी आप इसको मिला लीजिए। द टीचर खाली स्थान अबाउट द वेदर, तो इसमें होगा सेड, शिक्षक ने मौसम के बारे में कहा, ठीक है। तो द टीचर सेड अबाउट, अब बोलो कि सर इसमें टोल्ड क्यों नहीं होगा, तो जब ऑब्जेक्ट होता है तभी टोल्ड आता है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि अगर बोलता कि टीचर ने मुझसे कहा तो द टीचर टोल्ड टू मी, सॉरी द टीचर टोल्ड मी अबाउट द वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नरेशन के रूल के अनुसार है, तो सेड होगा, तो पहला का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, वी खाली स्थान हिम यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या है, पास्ट लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है, तो उस रूल के अनुसार पास्ट इंडिफिनिट में हमको केवल ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो बी विजिटेड हिम यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो ये देख रहे हैं कि आप इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये सी मार के रखा हूँ, सी का मैं करके देता हूँ, श्याम सेड टू हर। अब आप अंदर देख रहे हैं कि ऑल यू यू आर यू इल, तो आर यू इल जो है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका मैंने सी टिक करके रखा है, मैं इससे आपको ये आंसर निकाल के दिखाता हूँ, अंदर है आर यू इल, तो श्याम सेड टू हर आर यू इल, तो श्याम, अब अंदर में आर यू इल है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, तो श्याम का श्याम, सेड टू का आस्क्ड, हर का हर। अब इन्वर्टेड कॉमा में आप देख रहे हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव है, यस नो इंट्रोगेटिव का जब हम ये इन्वर्टेड कॉमा तोड़ते हैं तो इफ आता है, तो अभी इस ऑप्शन नंबर सी के अनुसार यहाँ तक इफ तक आ गया है। अब आर, अब देखिए आप यू है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदलेगा, तो हो जाएगा सी। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, चूंकि ये पास्ट है तो इज एम आर बदल जाता है वाज बेयर में, तो सी के अनुसार देखिए वाज आ गया है, फिर इल का इल, तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज खाली स्थान द रिवर, तो होता है कि जो ब्रिज होता है वो नदी के इस पार से उस पार होता है, तो के उस पार के लिए हम एक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो राइट आंसर है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लर्निंग इंग्लिश इजंट ईजी, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे आ सकता है, लर्निंग इंग्लिश इजंट ईजी, लर्निंग हिंदी इजंट ईजी, तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं लर्निंग फ्रेंच इजंट ईजी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, यू खाली स्थान द पियानो, तो यू के साथ अब यहाँ पे देख रहे हैं सब में आई एन जी लगा हुआ है, तो यू के साथ क्या लग सकता है, यू के साथ या तो लग सकता है यू आर प्लेइंग द पियानो, या फिर लग सकता है यू वेयर प्लेइंग द पियानो, तो आप खोज लेते हैं कि आर प्लेइंग या वेयर प्लेइंग कहाँ है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी में, तो सात का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू खाली स्थान गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, तो टुमारो अब आप देख रहे हैं जिस तरह से लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है, उसी तरह से टुमारो के साथ जो है जो फ्यूचर आएगा, तो बी डी और सी कहीं भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो फ्यूचर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यू विल गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, कल तुम एक नया ड्रेस पाओगे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अब आप देखिए पहला तीसरा और चौथा मैंने क्यों नहीं किया, आइदर का इस्तेमाल दो के लिए होता है, यहां पर थ्री है तो आइदर खत्म, आइदर का इस्तेमाल दो के लिए होता है, यहां पर थ्री है खत्म। अब एनी ऑफ के बाद द आना चाहिए, तो एनी ऑफ के बाद द आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यह हमारा नाइन का बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मैंने ए बी और सी क्यों गलत किया और डी को क्यों सही किया, इसका भी मैं बता देता हूं। सी बांट, सबसे पहले तो सी के साथ बांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा, तो ये खत्म और ये भी खत्म। उसके बाद इसमें वांट्स आया है तो ये क्यों नहीं आपने टिक किया, थ्री के साथ एग्स आएगा ना कि एग, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो राइट आंसर हो गया दस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, द टीचर खाली स्थान द लेसन यस्टरडे, फिर वही रूल, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है, तो बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्लीज गिव मी खाली स्थान केक डेट इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ए लगा के चले आए हैं जो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ा बुरा लगेगा जो जिन लोगों का गलत चल रहा है, ये क्वेश्चन गलत जा चुका है, लेकिन अब देखिए ये किसी विशेष केक की बात कर रहा है जो टेबल पर रखा हुआ है। और जब भी कोई चीज डिफिनिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, विशेष हो जाती है, तो उसके लिए डिफिनिट आर्टिकल द आता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिनका सही गया है वो भी लाइक करें, जिनका सही नहीं गया है तो आगे सही जाएगा ही। तो चलिए बिल्कुल चलते हैं। ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही खाली स्थान प्ले फुटबॉल। देखिए कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बोला था कि शक्ति क्षमता सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए जो मॉडल वर्ब आता है वो है कैन। तो उसका पैर तो टूट चुका है तो वो नहीं खेल सकता है फुटबॉल, तो ही कैनॉट प्ले फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 14, द मदर सेट इन ए कॉर्नर। उसके बाद देखिए मैंने बताया था आपको कि जब एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरा जो वर्ब होता है वो बीफोर फॉर्म में होता है। मैं पहले भी बहुत लगभग 15-20 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे टू वॉच भी आ सकता है, द मदर सेट इन ए कॉर्नर टू वॉच। अब देखिए यहाँ पे है कि जब माँ एक काम करने के बाद दूसरा काम करती, तो यहां पे कोई काम नहीं कर रही है मां, मां केवल बच्चे को देख रही है, वो कोई एक्शन क्रिएट नहीं कर रही है। द मदर सेट इन ए कॉर्नर वाचिंग हर सन टेक हर बेबी स्टेप्स। ठीक है, तो बी मेरा आंसर है। अगर किसी को डी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, वहां पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा डी से तो मैं डी को भी अप्रूव कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर यू कमिंग विथ अस ही आस्क्ड मी। अब यहां पे देखिए कि ये एक नरेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट करना है। मैंने ए क्यों टिक किया, इन सबों को क्यों काट दिया, तो केवल हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए यहाँ पे जब आस्क्ड है तो यहाँ पे आस्क नहीं हो सकता है, हैड आस्क्ड नहीं हो सकता और बिल आस्क नहीं हो सकता है। तो ये तो भैया ऐसे ही खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया राइट आंसर, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सी इज प्लीज्ड, वो प्रसन्न है विद मी, मेरे साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ, अपने द्वारा लिखा गया एक स्टेटमेंट या ओथ, यानी कि जो होता है शपथ, उसको बोला जाता है एन एफिडेविट। ठीक है, जिसको हम लोग हाफिड डिफिट भी बोल देते हैं कभी कभी गलत फहमी में, लेकिन वो होता है एन एफिडेविट। तो ये हमारा है डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खाली स्थान ही ड्राइव टू वर्क। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज ही ड्राइव, हैज नहीं आएगा क्योंकि अगर हैज आता तो यहाँ पे भीतरी होता। डोंट नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ तो डू लगता नहीं है, यहाँ भी ही के साथ डू नहीं लगता है, तो बच गया डज। डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वो काम करने के लिए ड्राइव करता है। नेक्स्ट आइए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ही खाली स्थान क्लासिकल म्यूजिक फोर आवर्स एवरी डे। मैंने कल ही बताया था कि जो हमारी आदत को प्रदर्शित करे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही के साथ जो लगेगा भी फाइव लगेगा, यानी प्रैक्टिसेस, बाकी किसी में भी फाइव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए जो है जो राइट आंसर हो जाता है। बीसवां है लेट मी खाली स्थान द क्लासरूम प्लीज। तो लेट मी प्लस भी वन, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस भी वन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लेट के बाद मी ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है, तो अब भी वन आएगा। ये भी वन नहीं है, ये भी वन नहीं है, ये भी वन नहीं है, तो भी वन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है राइट आंसर। हु इज द पर्सन खाली स्थान दिस पिक्चर। तो पर्सन जो है जो पिक्चर के अंदर है, तो हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने इसको क्यों किया। तो सबसे पहले झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो स्पीक लाई और से ए लाई गलत हो गया। अब टेल ए लाई होता है, तो यहाँ पे देखिए टेल ए लाई लिखा हुआ है, टेल ए लाई है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ठीक है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। तो यहाँ पे इसको ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है, लेकिन कौन विंडो को साफ किया है पता नहीं है, तो हम समोन से इस्तेमाल करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब से ही छट जाएगा सारा ऑप्शन, हैव बीन है तो कंफर्म है कि ये हेल्पिंग वर्ब हैज से लेगा या हैव से लेगा। तो यहाँ देखिए हैव नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ हैज है, तो यहाँ हो गया सेम टेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
रीता, रीता के साथ अब देखिए सब जगह लिसनिंग 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 है, तो इसके साथ आ सकता है या तो रीता वाज लिसनिंग या रीता इज लिसनिंग। तो वाज लिसनिंग या इज लिसनिंग में हमको इज लिसनिंग मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर। सी खाली स्थान, बी एबव 40। अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो 40 की होगी अनुमान लगाते हैं, तो सी विल बी एबव 40, वो 40 से थोड़ी ज़्यादा होगी, सी विल बी एबव 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे देखते हैं, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल सही है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आई के जस्ट बाद बिना हेल्पिंग वर्ब का नो नहीं आएगा, विल आया है तो यहाँ पे नोट आता तो सही कुछ मान सकते थे, ऐसे भी आई के साथ सेल आता है नॉर्मल कंडीशन में। फिर यहाँ भी देखिए हेड के बाद नो नहीं आएगा, जब आता तो नॉट आता और लाइक्ड आता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, मैं होमवर्क कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई के साथ इज नहीं लगता है यहाँ, तो विल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, विल लगता तो विल बी होता, फिर आर तो लगता ही नहीं आई के साथ, तो एम लगेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज गोइंग, खाली स्थान, लीव, ही इज़ गोइंग ऑन लीव, वह छुट्टी पर जा रहा है, वह छुट्टी पर जा रहा है नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ठीक है। ही इज़ गोइंग ऑन लीव, इससे भी संबंधित पॉइंट मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बी होप्ड डैट, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों लगा, तो कल ही मैंने बताया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जिसमें जैसे यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी उड़ है, तो यहां पे जो है जो पास्ट इंडिफिनिट आता है, तो होपिंग नहीं होगा, हैड होप्ड नहीं होगा, बिल होप नहीं होगा, होप्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आई एम गोइंग नाउ करेक्ट लग रहा है, अब इसमें आई के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये गलत, आई के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये गलत, आई विल गोइंग, विल के साथ डायरेक्ट गोइंग कैसे आएगा, ए इज राइट आंसर। उसके बाद इसका देखिए है, इसका नरेशन करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया है, अब सबसे पहले देखिए ये सेड है, ठीक है, सेड है, तो ये दिस जो है जो डेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ देखिए दिस है, ये तो ऐसे ही गलत चल गया, और अब देखिए मैंने इसको क्यों काटा है, सेकेंड नंबर को क्यों काटा है, अब यहाँ पे विल है, तो ये बिल जो है जो उड में कन्वर्ट होगा, तो इसमें देखिए विल ही दे दिया है, तो ये गलत चल गया। अब इन सबों में मैंने क्यों, इन दोनों में, ये दोनों तो खत्म, अब इन दोनों में मैंने क्यों अलग किया, यहाँ पे देखिए फोर मी है, तो फोर मी जो है ही के अकॉर्डिंग हिम होना चाहिए, तो फोर हिम होना चाहिए, यहाँ पे टू हिम है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश का पैसिव करना था, तो द फिश, उसके बाद इज ईटिंग है, तो इज बीइंग ईटन बाय द कैट, बहुत आसान था क्वेश्चन 32 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती मेड मी टू टेक ऑफ, अब यहाँ पे बात करते हैं कि टू टेक ऑफ क्यों, तो जब आप देख सकते हैं कि जब मेड आया है, तो अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि या तो V4 होगा या तो 2+V1 होगा, तो यहाँ पे देखिए V4 नहीं है, आरती मेड मी टू टेक ऑफ, आरती ने मुझे कहा कि जूते उतार दो घर में अंदर जाने से पहले, 33 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इट मे रेन वी विल गेट वेट, ठीक है, तो कल ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस आए, शर्त वाला सेंटेंस आए, और शर्त वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस फ्यूचर रहे, तो कंफर्म है कि कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट होगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, वी विल गेट वेट, हम लोग भींग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फिर देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए तीन क्वेश्चन एक ही रूल पर, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे के साथ पास्ट इंडिफिनिट आता है, वेंट मारिए, क्योंकि वेंट ही जो है जो भी टू में है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है। 36 कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है बिटमिन, देखिए मैंने ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन कर दिया, बुक पोर्शन का सॉल्यूशन मैं जल्द से जल्द ला रहा हूं, लेकिन इसके पहले आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को जरूर प्रेरित करें। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित हुआ हो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, डेट्स ऑल, और एग्जामिनेशन और रिजल्ट से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे अभी बने रहें, ये नहीं कि 12th खत्म, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।